सो वेलकम बैक टू चैनल फ्रेंड्स आप लोग आई होप आप आप लोग लोग सब अच्छे अगर मेरे चैनल पे न्यू हो वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा साथ साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा सो so दैट मैं जब भी कोई नया वीडियो लेके आऊँ आप लोगों से मेरे कोई भी वीडियोस मिस नहीं हो तो नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम वीडियोस के अपडेट आप लोगों तक पहुंचते रहे एंड आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो गाइज मुझे बहुत ज्यादा ये कमेंट आ रहा था कि मैं आप लोग के साथ कोई एक ऐसा काजल का रिव्यू शेयर करूं जो कि ब्लैक और बोल्ड कलर दे साथ साथ में लॉन्ग लास्टिंग हो वॉटर प्रूफ हो स्मज प्रूफ हो तो बस मैं आ गई हूँ आज आप लोग के लिए ऐसे ही प्रोडक्ट का रिव्यू लेके तो मैं आज आप लोग के साथ रिव्यू करने वाली हूँ रीने के मिड नाइट खोल पेंसिल का एंड जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैंने इसको अपने आईज पे अप्लाई किया है बट इतना ही नहीं मैं आप लोग को कैसे इसको अप्लाई करी थी वो भी दिखाऊंगी और साथ साथ में वाटर टेस्ट स्मज टेस्ट सारा ही कुछ करके आज की वीडियो में शो करूंगी तो आप लोग मेरे वीडियो पे बने रहिएगा पहले चलिए प्रोडक्ट का क्लोज लुक लेते हैं उसके तो बाद इसका एप्लीकेशन वाटर टेस्ट मश टेस्ट सारा कुछ करके आप लोग को शो करूंगी तो रीने का ये जो मिड नाइट खोल पेंसिल है ये आप लोग को ऐसे सिल्वर कलर की आउटर बॉक्स पैकिंग में रिसीव होगी क्वांटिटी इसकी 1.5 ग्राम है प्राइस फोर फिफ्टी रुपीज है बट ये समटाइम आप लोगों को ऑन डिस्काउंट्स में रिसीव हो जाएगा नाइका पे या एमेजॉन पे एंड साथ साथ में इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स को यूज करा गया है वो ऑर्डर बॉक्स पे मेंशन किया गया है तो आप लोग वीडियो को स्टॉप करके वहां से इनग्रीडियंट्स को रीड कर सकते हो एंड डीने के प्रोडक्ट्स को मैं अभी थोड़े टाइम से यूज कर रही हूँ एंड गाइस ट्रस्ट मी इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना वाकई बहुत अच्छे हैं एंड इसके साथ देख सकते हो इसकी जो इनर पैकिंग है बहुत ब्यूटीफुल लग रही है वो भी सिल्वर कलर की पेंसिल शेप में आपको आएगी एंड ये जो है ये शार्प होने वाली पेंसिल है देख सकते हो तो इसको ऐसे पीछे से रोटेट नहीं करना है इसके साथ आप लोग को ये शार्पनर भी रिसीव होगी तो चलो अब इसको स्वैच करते हैं तो देख सकते हो सबसे पहले तो ये बहुत ही स्मूथली ग्लाइड हो रहा है दूसरा कि ये जब आप इसको ग्लाइड कर रहे हो तो बहुत ही ब्लैक बोल्ड पिगमेंटेड कलर प्रोवाइड कर रहा है जो कि हर गर्ल्स जब भी कोई काजल को परचेज करती है तो चाहती कि वो ब्लैक बोल्ड इंटेंस कलर दे तो बिल्कुल ये वैसा ही है ये अब इसका ट्रांसफर टेस्ट करते हैं तो सबसे पहले देख सकते हो मेरे फिंगर अभी क्लीन है तो ये बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है एंड अब स्मजिंग करती हूँ तो देख सकते हो ये स्मज भी नहीं हो रहा है इसको दो तीन सेकेंड आप लोग देना जब ये सेट हो जाएगा ना तो ये बिल्कुल ऐसा ही रहेगा अब वाटर टेस्ट भी कर ही लेते हैं गाइस तो देख सकते हो मैंने पूरे अच्छे से अपने हैंड के ऊपर पानी डाला है एंड उसके बाद अब इसको स्मज कर रही हूँ तो देख रहे हो ये बिल्कुल टच से मस्त नहीं हो रहा ना ही इसकी ब्लैक बोर्ड जो पिगमेंटेशन है वो फेड हो रही है मानसून के लिए मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा वाला काजल है जिन लोगों को भी स्वेटिंग होती है मानसून में लगता है मेरे काजल फैल जाएंगे तो इसके लिए बहुत अच्छा है तो चलो अब इसको आइस पे अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले मैं इसको एज अ काजल अप्लाई करूंगी एंड ये आप लोग चाहो अगर आपको हल्की चाहिए तो हल्के से इसको यूज करना और अगर आपको गाड़ी चाहिए तो थोड़ा सा दबाके इसको यूज़ करना, ये बहुत ही स्मूथली चली जाती है, ज्यादा प्रेशर नहीं लगता है ये देखो, बहुत लग रही है एंड गाइस बहुत ही अच्छा ब्लैक कलर दे रहा है और आप लोग चाहो तो इसको एज अ लाइनर भी यूज कर सकते हो जिन लोगों को ऐसा होता है ना कि लिक्विड लाइनर अप्लाई करने में इश्यू होती है नहीं अच्छे से शेप आता है तो इसके साथ आप लोग लाइनर का जैसा भी यूज कर सकते हो और साथ में उसको स्मच कर लेना एंड यू आर रेडी टू गो गाइज देखो एकदम आईज बहुत अच्छी लग रही है ब्लैक बोल्ड तो डेफिनेटली मैं तो बोलूंगी इसको आप लोग ले ही लेना पाउडर सेटिंग कर लेना तो ये और भी अच्छे से, से सेट हो जाएगा आपके अंडर आई पे ये जरा सा भी नहीं फैलेगा तो जिन लोगों को भी ऐसा लगता है ना उनकी काजल फैल जाएगी तो इस काजल को आप लोग ट्राई करना बिल्कुल लॉन्ग टाइम तक पे रहता है तो so गाइज मैं तो बोलूंगी बस ले ही लो इस काजल को आप लोग बिकॉज इतना अच्छा काजल ना नहीं मिलने वाला और काजल जो है ना लड़कियों का एक मस्ट प्रोडक्ट होता है लड़कियां मेकअप करना पसंद करे या ना करे बट काजल लगाना उनको बहुत ज्यादा पसंद होता है एंड काजल जब ऐसा होना तो लगाना तो बनता ही है गाइस बिकॉज ये इतना अच्छा बोल्ड ब्लैक कलर देता है और साथ साथ में स्मज प्रूफ है ट्रांसफर प्रूफ है है, समर के लिए बहुत ही अच्छा टचअप कर नहीं करना है और चाहते कि आपकी आंखें बोले जो भी आपकी आंखों में देखें ना बस वो डूबी जाए तो बिल्कुल से ये वाला काजल आप लोग परचेस कर लेना रीने का एंड ये आप लोग को नायका पे एमेजोन पे और रीने के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा एंड मैं सबके परचेज लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी तो आप लोग जाके चेकआउट कर लेना और जिसको परचेस करना परचेस कर लेना अगर आप लोगों में से कोई ऐसे हैं कि जो ये वाला काजल यूज कर रहे हो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये काजल कैसा लगा है अप्लाई करके एंड मेरे वीडियो देखने के बाद अगर जो कोई परचेज कर रहे हो उनको कैसा ये काजल लगा है अप्लीकेशन के बाद प्लीज कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा सो so दैट थोड़ा सा अप्रिशिएशन मिलता है yes. यस मैंने आप लोग को रिकमेंड करा एंड आप लोग उसको परचेस किए हो और आपको भी एक ऐसा प्रोडक्ट मिला है जो कि हर गर्ल्स की नीड होती है सो so, आई होप आज की वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी तो वीडियो पसंद आता तो एक लाइक like कर देना वीडियो को आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो गाइज फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर दो चैनल को अदरवाइज ऐसे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल से इन्फॉर्मेटिव आप लोगों से मिस हो जाएंगे so, ऐसे कॉन्टेंट लेके मैं बहुत जल्द मिलूंगी सुटिल धैन बाय बायस